पाकिस्तान को हथियार की नई खेप, समंदर में चीन पाकिस्तान का नया अड्डा, ड्रैगन की मंशा पर हिंदुस्तान ने फेरा पानी, चीन की चालबाजी पकड़ी गई। पाकिस्तान की थाली में रोटी नहीं है, सिर पर कर्ज का बोझ बोरे की तरह लदा है, देश पाई पाई के लिए मोहताज है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी इस देश से, कभी उस देश से, कभी इस संस्था से, कभी उस संस्था से फरियाद करते हैं कि मदद मिल जाए, लेकिन जब बात हथियार खरीद की आती है तो पाकिस्तान घर फूंक कर भी तमाशा खड़ा करने में जुट जाता है। नया नमूना दिखा है चीन में। चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाई जाने वाली पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन चीन के वोचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के शुआंग लियू बेस पर किया गया। इस समारोह में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने हिस्सा लिया। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ है, जिसमें बीजिंग ने इस्लामाबाद को 8 अत्याधुनिक उन्नत पनडुब्बियां देने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान की नेवी ताकत चीन क्यों बढ़ा रहा है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान को चीन की हर मदद के पीछे मकसद क्लियर होता है, हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी। वर्षों से चीन यही करता आया है। पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि वो पनडुब्बी तो दूर, स्वच्छ पानी भी अपनी आवाम को मुहैया करा पाए, लेकिन चीन दे रहा है तो पाकिस्तान पनडुब्बी लेकर इतरा रहा है। इस पनडुब्बी की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, उसके पहले इस पनडुब्बी वाले समझौते को विस्तार में देख लीजिए। कुल 8 पनडुब्बियों में से 4 का निर्माण चीन में होगा, बाकी 4 का निर्माण पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जा रहा है। पनडुब्बी लॉन्च के मौके पर पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने जो कहा, उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। हंगोर क्लास SM परियोजना पाकिस्तान चीन मित्रता में एक नया आयाम जोड़ेगी और दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करेगी। पाकिस्तान के चीन के साथ घनिष्ठ सैनिक संबंध हैं। दोनों देशों ने 2018 में 4 मल्टीपर्पज युद्धपोतों के लिए अनुबंध पर दस्तखत किए थे। पहला और दूसरा जहाज PNS तुकरिल और PNS तैमूर 2022 में पाकिस्तानी बेड़े में शामिल हुए। असल में ये चीन है जिसके दम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कूदता है। चीन के लिए पाकिस्तान वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे करता रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात को संभालने में चीन से भारी मात्रा में मदद मिलती है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी तो कहानी चीन की उस नई पनडुब्बी की, जिसे पाकर पाकिस्तान चहक रहा है। हंगोर क्लास पनडुब्बी कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। हंगोर क्लास सबमरीन कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं जो खतरों का सामना करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि ये पनडुब्बी 76 मीटर लंबी होगी। ये अनुमान लगाया गया है कि हंगोर क्लास में 6533 मीटर टारपीडो ट्यूब होंगे। युआन क्लास के हथियारों के समान हंगोर क्लास पनडुब्बियां हैवीवेट टारपीडो और एंटी शिप मिसाइल दोनों को लॉन्च करने में सक्षम होंगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। हिंद महासागर में फुफकार रहे चीन और पाकिस्तान की ये पनडुब्बी भारत के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने 2022 में हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया था, जो अब काफी एडवांस स्तर पर पहुंच गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 8 पनडुब्बियों में पाकिस्तान द्वारा विकसित परमाणु हमला करने में सक्षम बाबर 3 पनडुब्बी प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल SLCM ले जाने की भी क्षमता होगी, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, चाहे वो सड़क हो, रेल लाइन हो, बांध हो, बिजली हो, विज्ञान हो, या फिर रक्षा संबंधी उपकरण, हथियार या फिर ट्रेनिंग हो। पाकिस्तान की नौसेना के पास 54,100 एक्टिव जवान हैं। इसके अलावा 5,000 रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 154 जंगी जहाज और 85 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तानी नौसेना के पास 10 फ्रिगेट, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन, 3 मिडगेट सबमरीन, 48 पेट्रोल वेसल, 7 फास्ट अटैक क्राफ्ट
54 हाई स्पीड बोट्स हैं। दुनिया में हथियार रखने वाले देशों में पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि भारत का पड़ोसी है, लिहाजा इस देश के पास किसी भी तरह का हथियार भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन रणनीति के तहत अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है। आलम यह है कि पिछले 10 वर्षों में चीन ने अपने युद्धपोत की संख्या 250 से बढ़ाकर 355 पहुंचाई है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया है और पाकिस्तान की नौसेना को भी विस्तार दे रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान को पनडुब्बी सौंप रहा है, लेकिन यहां ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि चीन पाकिस्तान को खुद पर निर्भर बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी आवाम चीन के हुक्म पर चलने वाली होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन रूपी अपने दोस्त से 26.6 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। हालत ये हो गई है कि 19 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार केवल 8 अरब डॉलर रह गया है, यानी जितना पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 3 गुना तो उस पर केवल चीन का ही कर्ज है। इस कर्ज को चुकाते चुकाते पाकिस्तान की कमर टूट गई है, तो चीन पाकिस्तान को पनडुब्बी देकर जो साबित करना चाहता है वो ये कि जमीन पाकिस्तान की होगी, समंदर पाकिस्तान का होगा, बंदरगाह पाकिस्तान का होगा, लेकिन चलेगी चीन की। पाकिस्तान इस तथ्य से वाकिफ है, लेकिन हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्क को बेच डालने से भी गुरेज नहीं करने वाले। जो पनडुब्बी पाकिस्तान को चीन से मिल रही है उसके रख रखाव पर भी करोड़ों का खर्च आएगा। पाकिस्तान ये खर्च कहां से जुटाएगा, इसका जवाब शहबाज शरीफ के पास नहीं है। सबसे बड़ी खबर गाजा के रफा में, अब इजराइल वो कर रहा है जिसकी कल्पना अमेरिका तक ने नहीं की थी। अब रफा में 2,000 किलो के बम गिराए जा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों लाशें देख करके अमेरिका बुरी तरीके से खौफ में है। देखिए, रौंद दिया रफा, खौफ में अमेरिका। दस दिन की जंग के बाद ना तो हमास का इसराइल सफाया कर पाया है और ना ही हमास इसराइल के सामने टिक पाया है, लेकिन इसके बावजूद गाजा पट्टी में अब ऐसा गुरेला और खूनी युद्ध शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका तक को झकझोर कर रख दिया है। हमास की आखिरी बटालियन को पूरी तरह से मारने के लिए इसराइल ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रफा से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने रफा को हमास का कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इसराइल की IDF रफा में 2000 पाउंड के 1800 बम गिराने वाली है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रफा की 15 लाख की घनी आबादी के बीच इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करने जा रही है, जिसमें 500 पाउंड के 1700 बम से हमला किया जाएगा। इसके साथ ही जमीन से IDF के जवान टैंकों के साथ रफा को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी कर रहे हैं। रफा में इजरायल के खूनी हमलों को देखकर अमेरिका तक घबरा गया है। रफा में इसराइल के खूनी हमलों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसराइल रफा में हमास के सफाए को लेकर 15 लाख की आबादी पर भीषण हमले का जोखिम उठा सकता है? אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमास चीन खानियां कतर में छुपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाके में छुपा बैठा है। इजरायल इसीलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है।
इसराइल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इसराइल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इसराइल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। मारा 2000 पाउंड का बम, भाप बना हमास। इसराइली सेना ने 6 मई को दक्षिणी गाजा और रफा में भीषण हमले किए थे। दावों के मुताबिक हमास के 20 लड़ाकों पर इतने बड़े बमों से हमला किया गया कि उनकी लाशें बम धमाकों में भाप बनकर उड़ गईं। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने रफा की अल अबरार मस्जिद पर भी हमला किया है, जहां हमास के कई कमांडर के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। इधर पूर्वी रफा में मौजूद लाखों फिलिस्तीनियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं जिनकी वजह से पूर्वी रफा में कोहराम मचना शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने हवा से इलाके में पर्चे गिराए और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पूर्वी रफा खाली कर दें, क्योंकि यहां पर इजरायली सेना घातक हमले करने जा रही है। जब से इजरायल के इस ताजे हमले के बारे में अमेरिका को भनक लगी, तब से इजरायल और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई। अमेरिका का साफ कहना है कि अगर इजरायल रफा में भारी बमों से हमला करेगा तो हमास के लड़ाकों के साथ साथ हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को दुनिया के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब इजरायली सेना को रफा में भीषण हमला करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ואני מברך על כך שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף. ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. रफा में इसराइली हमले को रोकने के लिए हमास के साथ साथ दुनिया क्या कदम उठाती है, क्योंकि ये तो तय है कि इसराइल का भीषण हमला रफा में लाशों का अंबार लगा देगा। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्तापलट की हलचल तेज है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजलुर रहमान ने अहम किरदार निभाया है। देखिए, पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है, ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरतअंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है, क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है।
सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और चलते